मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए सर, पूरा वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ धन्यवाद सर। मैं अपनी पार्टी जेएमएम के तरफ से इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्टोरल बजट है और जो अपनी सरकार की ये लोग अपना प्रेज कर रहे थे तो मैं भी उसमें जुड़ जाता हूँ कि 2014 से 24 अब ये 10वां साल का बजट है और जिन वायदों के साथ ये लोग 2014 से पहले जनता के बीच गए थे तो उस हिसाब से मुझे लगता है सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ चुके हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष आपका रोजगार देने की बात थी, 10 साल हो चुके, अभी तक 20 करोड़ रोजगार युवाओं को और यहाँ के देश के लोगों को मिल गया है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी यहाँ एक दीदी अभी एब्सेंट है, 2014 से पहले सिलेंडर उठा उठा करके जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, मुझे लगता है अब 2014 से पहले से सस्ता में हम लोग को सिलेंडर मिल रहा है और डीजल पेट्रोल के दाम तो अब लगता है कि 25-30 रुपया पे आकर के खड़ा हो गया है। लगातार जिस तरह का टैक्सेशन इस देश पे, अगर कहा जाए हाईएस्ट टैक्सेशन सिस्टम है इस देश का, लेकिन उसके बावजूद आपका जाकर के किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी का कोई भी यहाँ पे प्रयास नहीं किया गया है 10 वर्षों में। और झूठे वायदों के साथ लगातार अगर आप कहें तो देश को कर्ज में डुबोने का प्रयास किया गया है। 1.64 लाख करोड़ का जो कर्जा, मैं कह सकता हूं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ऊपर का आपका कर्जा है। और उसके बाद ये लोग लगातार अगर अपनी तारीफ कर रहे हैं तो एक तरफ तो ना नौकरी दिए, ना रोजगार दिए, ना आपका पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम किए, लेकिन एक एक व्यक्ति को लाख रुपया से ऊपर कर्जा आप जो है डाल दिए। और बधाई और जोड़ मैं देता हूं कि लगता है कि 10 साल के इस प्रयास में जो वायदा इन्होंने 2014 से पहले किया था, जो किसान है उनका जो इनकम दुगना हो गया। कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पॉइंट वाइज ही बोल रहा हूं सर, नहीं और उसके ऊपर एक मिनट लूंगा। और उसके अलावा जो झारखंड में सरकार हमारी जो झारखंड, चलो मैं दूसरा नाम बोलता हूं, आप बोल दीजिए अपनी बात सर। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड सरकार, जो सरकार हमारी पेंशन स्कीम के तहत, ग्रीन राशन कार्ड के तहत आपका जाके जो हाउसेस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पाई, 8 लाख हाउसेस 3 साल में पूरा करने का, कई स्कीम के साथ। श्री बदरुद्दीन अजमल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त कीजिए। आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इंटरिम बजट के ऊपर मुझे